वेलकम डियर स्टूडेंट्स, फ्री जॉबलर ट्रेंड एजुकेशन चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, डीआई ने जो है पीजी के लिए सीयूसीटी के थ्रू जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसके लिए जो है अपना गूगल फॉर्म और नोटिस जो आउट कर दिया है। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पीजी के लिए अप्लाई किया है, जिसमें कि बीएड और तमाम आपके पीजी के कोर्सेज आते हैं, इसमें एमए, एमएससी, तो एमबीए वगैरह जिसमें भी आपने अप्लाई किया हुआ है, तो आप लोग जो है वेबसाइट पर जाके स्टूडेंट्स अपना गूगल फॉर्म सबमिट कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे नोटिस आया हुआ है, आपको फर्स्ट एडमिशन नोटिस में देख रहा होगा। यहाँ पे राइट पे इस साइड में आपको इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग फॉर सीयूटी पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज, तो आप लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स देख सकते हो। और साथ साथ स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह के आपके जो है इंटरव्यू हो चुके हैं, और फीस लिस्ट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर आपकी काउंसलिंग हो चुकी है और आपकी फ़ीस लिस्ट आने को, तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ फीस सबमिशन पे। फर्स्ट लिस्ट काउंसलिंग यहाँ पे चेक कर सकते हो, सेकंड लिस्ट काउंसलिंग यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है पीजी के लिए इंटरव्यू के लिए जो आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग सीयूटी अंडर ग्रेजुएट स्टडीज, ये आपका ऑलरेडी हो चुका है। इंटरव्यू शेड्यूल फॉर पीजी जो आपका, ये भी आपका हो चुका है यहाँ पे। लेकिन अभी जो नोटिस आया हुआ है स्टूडेंट्स, वो आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग फॉर आपका पीजी के लिए आया हुआ है सीयूटी के थ्रू। तो सीयूईटी जो हुआ था उसके थ्रू यहाँ पे इस पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स नोटिस पे, जिन अभ्यर्थियों ने प्रास्नातक यानी कि पीजी में अध्ययन के लिए सीयूईटी टेस्ट 2023 के लिए आवेदन किया है और प्रवेश के लिए दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट डीम्ड वी यूनिवर्सिटी को चुना है, उन्हें 30 जुलाई 2023 तक संलग्न गूगल फॉर्म भरना होगा। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना हो चाहिए कि उसके पास संस्थान द्वारा निर्धारित प्रासंगिक प्रास्नातक योग्यता पात्रता है। कृपया यह ध्यान दें कि सभी सीयूटी अभ्यर्थियों के लिए गूगल फॉर्म भरना अनिवार्य है, अन्यथा उनके द्वारा डीआई में प्रवेश के लिए विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको जो है गूगल फॉर्म यहाँ पे भरना है। गूगल फॉर्म का लिंक जो इसी नोटिस में आपको दिया गया है गूगल फॉर्म, तो इसको जब ओपन करेंगे तो ऐसा फेस जो है ओपन होगा, जिसमें लिखा होगा सबसे पहले अपना नाम एंड आपका सीयूटी एप्लीकेशन नंबर, सीयूटी रोल नंबर, फादर्स नेम, ईमेल अपना, डेट ऑफ बर्थ आपका, मोबाइल नंबर, और आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स हाई स्कूल, परसेंटेज मार्क्स ऑफ इंटरमीडिएट, एंड आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स यूजी आपके यानी कि ग्रेजुएशन में आपके कितने मार्क्स हैं। उसके बाद ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस यानी कि आपने जब दयालबाग का फॉर्म अप्लाई किया था उस टाइम पे आपने किस किस कोर्स के लिए प्रेफरेंस किया था, या फिर आपने सीयूटी में जो प्रेफरेंस दी थी कि हमको बीए में लेना है या फिर बीएससी में लेना है, किस किस कोर्स में एडमिशन की प्रेफरेंस थी, उस हिसाब से आपको यहाँ पे प्रेफरेंस ऑफ यूनिवर्सिटी एंड आपका प्रेफरेंस आपको जो भी है उस हिसाब से आपको यहाँ पे फिल करना है। और डे स्कॉलर या हॉस्टल, आपको हॉस्टल चाहिए या फिर आप मतलब डेली अपने घर से अपडाउन करेंगे, उसके लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। मैं दिखा देता हूँ इस पर क्या आ रहा है ऑप्शन, इसमें आपको डे स्कॉलर एंड हॉस्टल आपको चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे आपकी अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, परमानेंट एड्रेस एंड आपका डीईआई जो आपने एप्लीकेशन भरा था उसका 6 डिजिट का यहाँ पे नंबर होगा, वो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिल करना है, अपना एप्लीकेशन नंबर और सबमिट कर देना। तो ये आपके लिए न्यूज थी स्टूडेंट, तो बाकी आप लोग समझदार हैं और डीआई का जो वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें। प्लीज़ फ्री जॉब वाला ट्रेंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।